पांच पर आते हैं। ये एक जनरलाइज्ड प्रश्न है, सामान्य अलग तरह का, इसे इस तरह के प्रश्नों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। इस तरह का उदाहरण भी है दिया हुआ बुक में, आप किताब में देख सकते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये हमसे जांच करने को बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। आइए लिखते हैं, देखते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है। यदि किसी n के लिए सिक्स एन शून्य पर समाप्त होगी तो क्या होता है। उस केस में वह पांच से जरूर विभाज्य होगी। आप ये देखिए, कोई भी संख्या जो इसमें शून्य आ रहा हो अंत में, वो पांच से विभाजित होती है हर हाल में, ठीक है। तो वह पांच से विभाज्य होगी, अर्थात इसका क्या मतलब है, अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में 5 आएगा। संख्या 5 आनी चाहिए, किंतु हम जानते हैं क्या, 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n बराबर 2 की घात n गुणा 3 की घात n, अर्थात इसका क्या मतलब है, 6n के गुणनखंडन में सिर्फ 2 या 3, 2 व 3 ही अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n में 0 आए अंत में। जो 6 की घात n कभी भी ऐसी नहीं हो सकती जो 0 पर समाप्त हो। उदाहरण के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं, मानो जैसे 20 है, 100 है, 200 है, 1000 है, इस तरह की कोई संख्या 6 की कोई घात नहीं हो सकती, क्योंकि 6 में 2 और 3 दो ही अभाज्य गुणनखंड आते हैं। ये प्रश्न यही खत्म होता है। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। आइए, 6 नंबर संख्या कहती है, व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं? 7 × 11 × 13 × 13 बराबर, आप देखिए इसमें 13 उभय खंड एक उभयनिष्ठ आ रहा है, 7 × 11 × 1 बराबर 13 × 78। तो ये तो भाज्य है, ये संख्या में दिखाई दे रही है भाज्य है। पहले तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं दो, 13 और 78, तो 13 से भाज्य है और 78 तो एक इवन नंबर है, वो 2 से भी है और 3 से भी है,
तेरासी तो है ही, तो इसलिए भाज्य संख्या हो गई। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं, दूसरी संख्या है 7 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5। अब इसमें भी हम देखें तो इसमें 5 को यहां उभयनिष्ठ ले लें तो ये आएगा 1 + 1 = 7 × 6 × 4 × 3 × 2। अब आप इसे गुणा करें, 2 × 3 = 24, 6 = 144 और 7 का मल्टीप्लाई करें, जो भी करें आप इसमें देख रहे हैं 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या भी भाज्य है, 5 से इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, तो हमारी यही हमने जांच कर लिया कि दोनों संख्याएं भाज्य हैं, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों ही संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या एक हमें मिल रही है, पहले ही संख्या में 13 और दूसरी में 5, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी ये पूछा जा रहा है आपसे कि सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो वो दोनों कब मिलेंगे, एक साथ शुरू करते हैं। आप इससे वैसे भी ट्रायल एंड हिट उससे करेंगे, जांच एवं भूल विधि से, तो आपको पता लगेगा कि ये और कुछ नहीं है 18 और 12 का LCM है। 18 और 12 का ऐसा कॉमन मल्टीपल देखना है जो दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए और लीस्ट सबसे पहले मिलना। मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा, तो आपको खुद पता लगता है कि 18 की टेबल में 18 × 36 आता है और 12 × 36, तो 36 एक कॉमन है LCM, इसका सिर्फ हमें LCM निकालना है और कुछ भी नहीं है। इन दो संख्याओं को आप LCM याद देखिए, तो इस प्रश्न का आलम कैसे करेंगे, 7 को ऐसे लिखेंगे, देखिए 12 का करेंगे गुणनखंडन तो आएगा 2^2 × 3 और 18 का करेंगे तो आएगा 2 × 3^2। इसलिए LCM आएगा यहां पर, LCM बराबर आएगा 2^2 × 3^2 बराबर 36, अर्थात 36 मिनट बाद ये दोनों पुनः मिलेंगे, अर्थात 36 मिनट बाद वह दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ये प्रश्न था, इस तरह आपकी ये पूरी प्रश्नावली हल हो जाती है। अब हम पुनः अपरिमेय संख्याओं की तरफ आते हैं। याद कीजिए, एक संख्या S अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। याद रखिए, एक संख्या S अपरिमेय कहलाती है यदि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन Q 0 नहीं है, क्योंकि कभी भी भाजक 0 तो डिफाइंड ही नहीं है, आप उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो एक अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। कुछ उदाहरण हैं अपरिमेय संख्याओं के जो आपने कक्षा 9 में भी पढ़े थे, काफी सारे हैं, जैसे 10 √2 √3 √5 √15 √π एटसेट्रा। अब हम ये देखते हैं
यहाँ हम अपरिमेय संख्याओं पर यदि हम बात करते हैं तो हमें इसमें प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है कि एक अभाज्य संख्या p है और यदि वो a वर्ग को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। यदि एक संख्या अभाज्य p है, अभाज्य याद रखिए प्राइम संख्या p अभाज्य संख्या है, और यदि वो a वर्ग को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, मानो हम कहते हैं कि 625 को 5 विभाजित कर रहा है तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। यदि कोई अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या p है और यदि वो a वर्ग को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। इसका उदाहरण हमने इसे आपको बताया कि जैसे 81 है, 81 को मान लीजिए, 81 को 3 विभाजित करता है तो वो 9 को भी विभाजित करेगा, ठीक है, क्योंकि 81 9 का वर्ग है। अब देखिए कि यदि हम कहते हैं कि एक संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम उसे उल्टा लेकर चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो संख्या परिमेय है और हम उसे p बटा q के रूप में लिखकर उल्टा चलते हैं और ये दिखाते हैं कि वास्तव में हमने जो माना था कि संख्या परिमेय है वो गलत है और इसलिए ये संख्या अपरिमेय है। ये आपको आगे उदाहरणों में पता लगेगा। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हल, मान लीजिए वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तब वर्गमूल 3 बराबर a बटा b, जहां b शून्य नहीं है। इससे हमें क्या पता लगेगा? अतः a बराबर b वर्गमूल 3, दोनों ओर वर्ग करिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर का मतलब है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a वर्ग बराबर 3b वर्ग। इसका मतलब क्या है कि a वर्ग 3 से विभाजित हो सकता है, मतलब a वर्ग 3 से विभाजित है या 3 a वर्ग का गुणनखंड है, एक ही बात है, ठीक है, 3 a वर्ग का गुणनखंड है। अब जब 3 a वर्ग को विभाजित करता है तो हमने बताया था एक प्रमेय है, 3 a को भी विभाजित करेगा, 3 यदि a को विभाजित करेगा तो हम a बराबर 3c लिख सकते हैं, 3 a वर्ग का गुणनखंड है, अतः 3 a का भी गुणनखंड होगा, माना a बराबर 3c, इसलिए a वर्ग बराबर 9c वर्ग। अब हम a वर्ग का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर पाते हैं 9c वर्ग बराबर 3b वर्ग या
बी वर्ग बराबर 3c वर्ग, अर्थात बी वर्ग 3 से विभाज्य है, अतः बी भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ए व बी में 3 उभय निष्ठ गुणन खंड है। किंतु हमने ए व बी को सह अभाज्य माना था, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमने गलत माना था कि वर्गमूल 3 परिमेय है, अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ चीजें और याद करने की हैं। ध्यान रखिए, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख लो, 5 प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट 2, यानी 5 के साथ चाहे धन कीजिए चाहे ऋण कीजिए वर्गमूल 2, तो ये अपरिमेय है। मानो शून्य नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणनफल या भागफल, मतलब 2 वर्गमूल 2 कहो या वर्गमूल 3/5 कहो, कुछ भी कहो, वर्गमूल 7/2 कहो, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये कहा जा रहा है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, ये भी अपरिमेय होता है, बशर्ते जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो जीरो न हो, जीरो को छोड़ करके गुणा कर रहे हैं भाग कर रहे हैं जीरो नहीं होनी चाहिए। आइए हम प्रश्नावली 1.3 को हल करते हैं। आइए हम मानते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तब हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएं ए व बी जो शून्य नहीं है ज्ञात कर सकते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर ए बटा बी, अर्थात ए बराबर बी वर्गमूल 5। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं,
ए वर्ग बराबर 5 बी वर्ग, अर्थात 5 ए वर्ग को विभाजित कर सकता है इसका मतलब हम पहले प्रमेय बता चुके हैं कि यदि कोई अभाज्य संख्या ए वर्ग को विभाजित करती है तो ए को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब 5 ए को भी विभाजित करेगा। अतः हम ए बराबर 5 सी लिख सकते हैं। जहां सी कोई पूर्णांक है ए का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 से हम पाते हैं क्या पाते हैं 25 सी वर्ग बराबर बी वर्ग 5 बी वर्ग या 5 सी वर्ग बराबर बी वर्ग अर्थात 5 बी वर्ग को विभाजित कर सकता है। मतलब 5 संख्या बी को विभाजित करेगा। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु ए व बी को हमने सह अभाज्य माना है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि
वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्गमूल 5 एक